ईयर 1947 में सोवियत यूनियन अपने 5 कैदियों को पकड़कर एक एयर टाइट चैम्बर में लाती है और उनपे एक एक्सपेरिमेंट करती है जिसमें उन कैदियों को पूरे 1 महीने तक बिना सोए रहना होगा और कैदियों को जगाए रखने के लिए उन पर एक खास किस्म की गैस का इस्तेमाल होता है और बाद में जो रिजल्ट निकल कर आते हैं वो दिल दहला देने वाले थे। तो क्या था रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट और क्या सच में ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट हुआ था, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि ये सब झूठ है और कुछ कहते हैं कि सच है। तो क्या थी रियलिटी ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, आज हम इसकी जड़ तक जाएंगे। The Russian sleep experiment is the terrifying tale in which 5 people are kept awake for 15 days. So welcome to the podcast. My name is Rudra Rajput and today we're going to talk about the Russian sleep experiment. 6 साल के लंबे टाइम के बाद फाइनली 2 सितंबर 1945 को वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो जाती है और इसके बाद सब कंट्रीज के पास वर्ल्ड वॉर 2 से पकड़े गए सोल्जर्स थे जिनको सब कंट्रीज ने बंदी बना रखा था। और ऐसे कुछ कैदी रशिया ने भी पकड़े थे जिनमें से 5 कैदियों को उस वक्त सोवियत यूनियन अपने एक खतरनाक स्लीप एक्सपेरिमेंट के लिए चुनती है और कैदियों को एक एयर टाइट चैम्बर में ला कर टू-वे मिरर के सामने खड़ा कर दिया जाता है और उनसे माइक्रोफोन के थ्रू दूसरी तरफ खड़े साइंटिस्ट बात करते हैं और उन्हें बताते हैं अगर वो इस एक्सपेरिमेंट का पार्ट बनते हैं और बिना सोए 30 दिन तक इस चैम्बर में रहते हैं तो उनको फ्री कर दिया जाएगा और वो आजाद होकर अपने देश में वापस लौट सकते हैं। सो अपनी आजादी के खातिर वो कैदी इस एक्सपेरिमेंट का पार्ट बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद उनको उस चैम्बर में बंद कर दिया जाता है और उनके लिए प्रॉपर फूड, वाटर, टॉयलेट्स, सिटिंग अरेंजमेंट और पढ़ने के लिए कुछ मैगजीन्स एंड बुक्स भी चैम्बर में रख दी जाती है। और यहाँ पर आता है स्टोरी में ट्विस्ट। तो रशियंस उस एयर टाइट चैम्बर में ऑक्सीजन के साथ एक ऐसी गैस को रिलीज कर रहे थे जो कि उन कैदियों की स्लीपिंग साइकिल को डिस्टर्ब कर रही थी। सो अगर आसान भाषा में बोलूं तो वो उन्हें सोने से रोक रही थी और इस गैस को डेवलप करने के पीछे रशियंस का मोटिव ये था कि वो इस गैस को अपने सोल्जर्स को देंगे ताकि जब किसी वॉर में उनके सोल्जर्स जाएं तो वो बिना सोए हफ्तों तक लड़ें और जल्दी से जल्दी अपने मैदान को फतेह करें। सो इस एक्सपेरिमेंट के 4 दिन तक सब कुछ नॉर्मल रहता है और वो सभी कैदी एक दूसरे से नॉर्मली बातें करते हैं, पर 5वें दिन से ही ये एक्सपेरिमेंट एक डार्क टर्न ले लेता है जब रात को सभी कैदी बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हैं और एक दूसरे से वॉर की हॉरिबल मेमोरीज शेयर करने लगते हैं, जैसे कि उनके फौजी दोस्तों का जंग में मरना, टैंक के नीचे आना या फिर पकड़े गए बच्चों और उनके साथियों का टॉर्चर होना, ऐसी कुछ भयानक दिल दहला देने वाली बातें। और ये सभी चीजें बाहर बैठे सभी साइंटिस्ट सुन रहे थे थ्रू देयर माइक्रोफोन्स। फिर 11वें दिन उनमें से एक कैदी अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है और वो लगातार 3 घंटों तक ऐसे ही जोर जोर से चिल्लाता रहता है जिसके कारण उसकी वोकल कॉर्ड बर्स्ट हो जाती है, पर बाकी के 4 कैदियों का इस पर कोई भी असर नहीं होता और वो चुपचाप नीचे बैठे उसे देखते रहते हैं। फिर 13वें दिन तक बाकी के सभी कैदी भी अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं और वो चिल्लाने लगते हैं और वो सभी कैदी खुद को ही नोचने लगते हैं। फिर उनमें से एक कैदी वहां पड़ी बुक्स के पेजेस को फाड़ कर अपने खून और अपने पेशाब से गीला कर टू वे मिरर पर लगा देता है ताकि साइंटिस्ट बाहर से अंदर कुछ भी ना देख पाए और इसके बाद अंदर पूरी तरह से सन्नाटा छा जाता है और साइंटिस्ट कुछ भी पता नहीं लगा पाते कि अंदर हो क्या रहा है। फिर आधी रात को वहां पर सोल्जर्स आते हैं एंड वो फैसला करते हैं कि वो अंदर जाकर देखेंगे कि क्या चल रहा है। तो फिर वो स्लीपिंग गैस को बंद करते हैं और फिर एक साइंटिस्ट माइक्रोफोन में बोलता है कि हम लोग अंदर आ रहे हैं और कोई भी होशियारी मत करना और अगर तुम लोगों ने कॉर्पोरेट किया तो हम तुम में से एक आदमी को आज ही आज़ाद कर देंगे। तभी अंदर से जो आवाज़ आती है उसे सुनकर उन साइंटिस्ट को भी बिलीव नहीं होता। अंदर से कैदी बोलता है कि हमें आज़ादी नहीं चाहिए, हमें यहीं पर रहना है और हम तुमसे भीख मांगते हैं कि प्लीज़ उस गैस को दोबारा से रिलीज कर दो। पर उन सबको अनसुना कर सोल्जर्स चैम्बर के अंदर एंटर होते हैं और वहाँ जो वो देखते हैं वो देख कर वो सभी सोल्जर्स सहम जाते हैं। जमीन पर खून ही खून था और उसी के साथ वहाँ पर कई सारे मांस के टुकड़े पड़े थे जो कि उन्हीं सब कैदियों के थे और उन्होंने खुद ही अपने मांस को नोच नोच कर अपनी बॉडी से अलग कर दिया था और उन कैदियों को देखकर लग रहा था कि वो इंसान तो है ही नहीं। उन्होंने खुद की स्किन को ही खुरेद खुरेद कर अपना ये हाल कर दिया था और उनमें से एक के तो हाथ की हड्डियां तक नजर आ रही थी। फिर उन सब कैदियों को इमीडिएटली हॉस्पिटल ले जाया जाता है और उनका ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया जाता है और उनको सुलाने के लिए मॉर्फिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं और उन पर इसका कोई भी असर नहीं होता। फिर उनको सुलाने के लिए 7 मॉर्फिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं पर एक भी कैदी उन इंजेक्शन से नहीं सोता और ये देख डॉक्टर भी बिलीव नहीं कर पाते और वो कैदी हंसते हुए बोलता है ऐसे ही ऑपरेशन स्टार्ट कर दो, मुझे मजा आ रहा है। सो डॉक्टर्स बिना एनेस्थीजिया के ही ऑपरेशन स्टार्ट कर देते हैं और ऑपरेशन के दौरान ही 5
में से 3 कैदी मारे जाते हैं और सिर्फ 2 कैदी ही सर्वाइव कर पाते हैं एंड वो दोनों वापस उसी चैम्बर में जाने की भीख मांगते हैं। फिर इस एक्सपेरिमेंट के कमांडर वहां आते हैं और एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू रखने का ऑर्डर देते हैं और जब उन कैदियों को पता चलता है कि वो वापस उसी चैम्बर में जा रहे हैं तो वो बिल्कुल शांत हो जाते हैं। चैम्बर में पहुंचने के बाद वहां के साइंटिस्ट भी बहुत घबरा जाते हैं और कमांडर को इस एक्सपेरिमेंट को रोकने की रिक्वेस्ट करते हैं, बट एक्सपेरिमेंट को रोकने की बजाय कमांडर उन तीनों साइंटिस्ट को भी उसी चैम्बर के अंदर बैठने को बोलता है और सब कुछ मॉनिटर करने को बोलता है। तो ये सुन उनमें से एक साइंटिस्ट कमांडर की गन निकालकर गुस्से में कमांडर को वहीं पर गोली मारकर मार डालता है और चैम्बर में बचे दोनों कैदियों को भी गोली मारकर वो मार डालता है, पर एक कैदी अभी भी उनमें से जिंदा बच जाता है और वो जोर जोर से हंसने लगता है, जिसपे वो साइंटिस्ट घबरा कर उससे पूछता है कि आखिर तुम हो क्या, और इस पे वो कैदी बहुत ही डरावना आंसर देता है। वो बोलता है कि मैं तुम्हारे अंदर की वो बुराई हूँ जिसे तुम हमेशा दबा कर रखते हो और दूसरों के सामने नहीं आने देते। मैं तुम्हारे अंदर छुपा हुआ तुम्हारा असली चेहरा हूँ और मैं तुम्हारे बेड के नीचे छुपा हुआ वो मॉन्स्टर हूँ जिसे तुम बचपन से डरते आए हो। और इतना सुनने के बाद वो साइंटिस्ट उस कैदी के सर पर गोली मारकर उसे वहीं पर मार डालता है और उसके बाद वो उन दोनों साइंटिस्ट को भी गोली मारकर वहीं पर मार डालता है और इस एक्सपेरिमेंट को वहीं पर हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देता है। पर कहानी अभी बाकी है। तो ये थी रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट की हिस्ट्री एंड स्टोरी। लेकिन आखिरकार ये स्टोरी पहली बार आई कहाँ पर और ये इतनी पॉपुलर कैसे हुई, तो आइए जानते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी। रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट को सबसे पहले 10 अगस्त 2010 को एक ऑरेंज सोडा नाम के अकाउंट ने क्रीपी पास्ता विकी वेबसाइट पर अपलोड करा था। क्रीपी पास्ता एक हॉरर स्टोरी वेबसाइट है जहां पर आप बहुत ही अमेजिंग एंड हॉरिफाइंग हॉरर स्टोरीज को रीड कर सकते हैं और इसी वेबसाइट पे इस रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट को रिवील करा गया था। हालांकि खुद इंटरनेट इसे एक अर्बन लेजेंड बताता है और खुद रशियन गवर्नमेंट ने भी इस एक्सपेरिमेंट को टोटली बेबुनियाद बताया था और बोला था कि उन्होंने ऐसा कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करा। दूसरा, आप जो ये क्रीवी इमेज देखते हो जिसे एज ए रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट के वन ऑफ द टेस्ट सब्जेक्ट्स पोर्ट्रेट करा जाता है और ऑलमोस्ट हर एक यूट्यूब थंबनेल के ऊपर आपको ये पिक्चर देखने को मिल जाएगी इंक्लूडिंग माई ओन वीडियो, तो मैं बताना चाहूंगा कि ये पिक्चर पूरी तरह से फेक है। एक्चुअली में ये एक हेलोविन प्रॉप है जिसका नाम है स्पैजम। गूगल पर सर्च करना स्पैजम और आपको यहाँ इसकी काउंटलेस रियल इमेजेस मिल जाएंगी जहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि ये कोई असली इंसान नहीं बल्कि एक हॉरिफाइंग ह्यूमनॉइड फिगर है। और आज तक साइंस ने भी कोई भी ऐसा ड्रग या फिर गैस डिवेलप नहीं करी जिसमें इंसान को पेन में भी मजा आए और उसे कुछ भी फील ना हो। एंड इस स्टोरी को पॉपुलैरिटी मिली जब 2015 में इस स्टोरी से इंस्पायर होकर एक नॉवल लिखा गया और उसके बाद इस पर कई सारी शॉर्ट मूवीज भी बनी और बाकी का सारा काम YouTube वीडियोस ने कर दिया। सो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप जो भी ऑनलाइन देखते हैं उस पर कभी भी यकीन ना करें और एक क्रिटिकल थिंकिंग रखें जिसमें आप खुद से सभी फैक्ट को रीचेक करें, क्योंकि YouTube के ऊपर मेरे और आपके जैसे ही लोग बैठे होंगे और ये एक यूट्यूबर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपनी ऑडियंस को कितना ऑथेंटिक एंड रियल कॉन्टेंट देता है। और जहां तक मेरी बात है, मैं अपनी हर एक कही बात एक आर्टिकल के साथ डिस्प्ले करता हूं जिसके ऊपर क्लियरली मेंशन होता है जो चीज मैं बोल रहा हूं और उसके साथ साथ मैं हर एक चीज का सोर्स अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देता हूं ताकि आप लोग खुद से भी जाकर चेक कर पाएं कि जो मैंने बोला है वो सही है या फिर गलत, और इस तरह से एक एक्यूरेसी मेंटेन रहती है जिस पे ऑडियंस भी बिलीव कर पाती है अपने उस यूट्यूबर पर जिसका कंटेंट वो देख रहे हैं। एंड इसके साथ हमारी आज की ये वीडियो खत्म होती है। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और ऐसे ही कुछ और न्यू वीडियोस देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहूंगा। सो मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सत श्री अकाल।